जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। तो आज हम बात करेंगे उन तीन गलतियों के बारे में जो अक्सर हम सभी तैयारी के समय करते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इन तीन गलतियों में से या तीनों या दो या हो सकता है सिर्फ एक गलती कर रहे हो, लेकिन अमूमन लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी तीन गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, और ये गलतियां कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस या हमारे सिलेक्शन को प्रभावित करेंगी। तो अभी भी वक्त है, समय बहुत ज्यादा निकला नहीं आपके हाथ से, लेकिन समय कम है थोड़ा, फिर भी आप इन गलतियों को सुधार कर अपने सिलेक्शन के चांसेस को 100% कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो तीन कौन सी गलतियां हैं। नंबर एक, जो सबसे बड़ी गलती इस टाइम हम कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट ना लगाना। प्रैक्टिस सेट ना लगाना। प्रैक्टिस सेट, स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट, ये तीनों एक ही चीज है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगा रहे हैं। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास बहुत ज्यादा तो एक सप्ताह का समय और शेष रह गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है जो दिल से इस वर्दी को पाना चाह रहा होगा उसने अभी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनके एक दो टॉपिक या एक दो चैप्टर छूटे होंगे। तो जब आपने अभी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप अगले दो दिन यानी कि आज है तारीख 7, तो आप अगले दो दिनों तक इसका रिवीजन कर लीजिए, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप इसका रिवीजन कर लीजिए। और फिर जो 4-5 दिन आपके पास बच रहे हैं उन 4-5 दिनों में आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट को हल करिए। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, जितना ही ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई प्रैक्टिस सेट की। दूसरी जो हम गलती करते हैं वो है OMR। अब आप कहेंगे कि OMR ये तो गलती हम कैसे कर सकते हैं, यहां बिल्कुल गलत है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो OMR सीट भरते समय या OMR को लेकर गलती कर रहे हैं। मैं आपको कम से कम 10 ऐसे नाम बता सकता हूं, खुद मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूं। अगर मैं OMR में गलती ना करता तो शायद 2015 और 16 में सब इंस्पेक्टर हो गया होता, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आज मैं जहां का तहीं रह गया। फिलहाल कोई बात नहीं। तो OMR सीट में आप जो गलती कर रहे हैं, पहला तो ये है कि आप OMR सीट और प्रैक्टिस सेट को एक साथ सॉल्व करिए। नहीं समझे आप, मेरा कहने का मतलब ये है जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आप घड़ी, आपको रखना है घड़ी और OMR, ये दोनों चीज आप एक साथ रखेंगे। अब आप पूछेंगे कि हमको OMR सीट कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अनुज सिंह के साथ में हैं। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर जाकर केवल एक बार क्लिक करेंगे और OMR सीट ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें वो सेव हो जाएगी। और आप किसी भी साइबर कैफे पे चले जाएंगे या फोटो स्टेट की दुकान पर चले जाएंगे और उससे कह देंगे तो वो 10-20 रुपए में आपको 20-25 कॉपी करके दे देगा OMR सीट की। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो आपको घड़ी, OMR सेट और प्रैक्टिस सेट, ये तीनों एक साथ लेकर रखने हैं। आप देखिए अमूमन लोग गलतियां क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और फिर पन्ना पलट लिया, पन्ना पलट के पीछे देखे कि मेरा सही है कि नहीं आंसर में जाकर। ये गलती आप मत करिए, आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं और मैं एग्जाम दे रहा हूं। प्रैक्टिस सेट उस तरीके से सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी गलती कि आप OMR, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, हम प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं कि हमको OMR सीट भी तो भरनी है। ऐसा तो है नहीं केवल हम प्रैक्टिस सेट, हमारे पास घड़ी, हमने टाइम तो देख लिया कि हम इतने टाइम में अपने 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जितने भी हैं हम वो सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन आपको OMR सीट भी भरनी है।
अब OMR सीट में गलती हम क्या कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलती करते हैं, जैसे आप क्लासरूम में गए जब आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरा एक से लगाकर 150 क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व कर लेते हैं और जो उसके सही आंसर होते हैं या तो हम उसको टिक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे चार ऑप्शन रहते हैं तो ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन नंबर एक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर एक है तो क्वेश्चन नंबर एक का हमारा मान लीजिए बी सही है, तो हम क्या करते हैं या तो पेपर में ही जो हमारा पेपर है उसमें हम ऐसे हल्का सा बी पे टिक मार देते हैं, या जो हमारी OMR सीट है, ये OMR सीट है तो यहाँ ए बी फिर यहाँ सी और डी, ये होता है ना डी, तो हम कर क्या रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर एक का बी सही है, तो कुछ लोग तो पेपर में बिंदी लगा दिए और कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ OMR सीट पे ऐसी हल्की सी बिंदी लगा दिए। अब ऐसे पूरे 150 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, उनके दिमाग में क्या है कि जब हमारे पास 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट बचेगा तो हम सारा गोला एक साथ कर देंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए, ऐसा करने पर लास्ट के समय में आपके पास कैसा समय रहता है, कैसा क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस स्थिति में आप एग्जाम लास्ट के समय में क्या हो जाए, तो आप उस लास्ट समय के भरोसे मत बैठिए। अगर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर एक का हमारा बी सही है तो बी को प्रॉपर आप यहाँ पे भर दीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। अगर दूसरा क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो रहा है, टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको भी जो आपका मान लीजिए दूसरे का सी सही आ रहा है तो आप सी को गोला कर दीजिए यहाँ पर। आप लास्ट समय के भरोसे मत बैठिए, ये कहीं ना कहीं आपके आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होगा लास्ट में, जब देखेंगे कि लास्ट में अफरा तफरी मच जाती है, पता चलता है कि हमने गोले अभी आधे भरे हैं और उधर से कापियां जमा होना चालू हो गई, जब कापियां जमा तो हम हड़बड़ी में कभी मान लीजिए कि हमारी ये बिंदी जो है इधर की उधर हो गई इधर की, तो हम गलत सही सही क्वेश्चन भी हम गलत कराते हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। फिर हम आते हैं अपनी तीसरी गलती पर। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तीसरी गलती को कर रहे हैं। अब ये तीसरी गलती क्या है, ये भी आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगी। तीसरी गलती जो हमारी है वो ये है कि हम आजकल थक बहुत जल्दी रहे हैं, आपके अंदर थकान बहुत जल्दी हो रही है, आप दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, या आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चार चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप थक जा रहे हैं। आपको थकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। अच्छा, एक बात और जो इसी तीसरी गलती में है वो इसका सब पॉइंट है, एक वो ये है कि आप इस समय खाना कम खाइए, आप सुबह में खाना खा लीजिए, दोपहर में खा लीजिए, लेकिन शाम को आप खाना कम खाइए। शाम को जब आप खाना कम खाएंगे तो आपको नींद कम आएगी, जब नींद कम आएगी तो आप देर तक पढ़ सकेंगे और सुबह जल्दी उठ भी सकेंगे, क्योंकि पेट खाली है तो सुबह जल्दी आपकी नींद खुल जाएगी। समय आपके पास कम बचा है, अगर आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं सेलेक्ट होना, तो इस समय आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जब गाड़ी जब हम चला रहे होते हैं और जब थोड़ा चढ़ाई पर आती है तो हम थोड़ा एक्सीलेटर भी उसका तेज करते हैं और गियर भी थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं, तो इस समय आप अपना गियर और एक्सीलेटर दोनों बदलिए। अगर आप चाह रहे हैं सेलेक्ट होना तो आपको गियर बदलना पड़ेगा, गियर बदलिए तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। थोड़ा कम खाएंगे, जब सेलेक्ट हो जाएंगे इसके बाद दबा के काजू बादाम अखरोट खूब खाइए, कौन रोकने वाला, आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ। तो उम्मीद है आपको ये तीन गलतियां समझ में आ गई होंगी। अब आप इन तीन गलतियों को नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो इसको तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, अगर आप वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, और इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाले समय में मेरे साथ ड्यूटी करेंगे।